मनोज कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। और हम पढ़ रहे हैं अभी कॉर्पोरेट अकाउंट केजी गुप्ता से, केजी पब्लिकेशन से, और चैप्टर नंबर 12 है, और चैप्टर नंबर 12 है वैल्यूएशन ऑफ शेयर का। इसी का क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे आज। तो अतुल पढ़ेगा, शुरू कर। 17वां, हाँ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स तो दो तरह के शेयर हो गए, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों हो गए ना। फिर आगे लिखा है कुल प्रॉफिट है 4 साल का 1,90,000, 2,10,000, 2,05,000, 2,50,000 रिस्पेक्टिवली 2012, 2013, 2014। अच्छा, फिर है टैक्स रेट है 50%, जनरल रिजर्व ट्रांसफर है 20%, नॉर्मल रेट है 20%। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो इस पे भी, जैसे 16 इम्पोर्टेंट था वैसे ये भी इम्पोर्टेंट 17। ठीक है, हाँ, इस वाले क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा क्योंकि कई सारे सारे प्रॉफिट दे रखे हैं, है ना। और सिंगल प्रॉफिट दे रखा हो तो एवरेज प्रॉफिट दिया होता तो नॉर्मल सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो इसके लिए एग्जांपल नंबर 19 है, वो भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट होता है जब आप तैयारी करोगे इसकी, है ना, तो आपको आंसर तक याद हो जाएगा। 17 रुपये या 34 रुपये आंसर आएगा, रेट ऑफ अर्निंग 34% आएगा और पैसे इसके 17 रुपये आएंगे। तो इतना तक ध्यान हो जाएगा, इतना बार रिपीट होगा जब आप सॉल्व करोगे एमसीक्यू, है ना। तो इसके लिए हमारा सेकंड फॉर्मूला यूज होगा, मतलब सेकंड टाइप के जो थे अर्निंग कैपेसिटी वाले जो फॉर्मूले थे, रेट ऑफ अर्निंग वाले, वो यूज होंगे। तो पहला हमें निकालना होगा अर्निंग रेट, है ना, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इंटू 100 अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ अर्निंग रेट से मतलब ये है कि अगर बात करी जाए तुम्हारी कैपिटल 5 लाख हो और तुम्हारी कमाई 1 लाख रुपए हो इक्विटी शेयर वालों के लिए, तो बताओ किस परसेंट से अर्निंग हो रही है, तो वो अर्निंग रेट आ जाता है। तो 1 लाख रुपए कमा रहे कौन, इक्विटी वाले, 5 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है तो 20% आ जाएगा निकल के, उसे बोलते हैं रेट ऑफ अर्निंग, कि 1 लाख इंटू 100 अपॉन इक्विटी शेयर, क्योंकि ये प्रॉफिट वो होना चाहिए जो इक्विटी शेयर वालों के लिए होना चाहिए, टोटल कंपनी का प्रॉफिट नहीं, इक्विटी वालों के लिए क्या बचेगा। फिर वैल्यू पर शेयर निकालने का फॉर्मूला है रेट ऑफ अर्निंग इंटू पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी और अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इस तरह से। तो क्वेश्चन मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, उस तरफ ले जाऊँगा, है ना, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 17, तो फॉर्मूला लिख लेना जो इसमें वीडियो देख रहे हैं। अब हमारे पास दो तरह के शेयर दे रखे थे, प्रॉफिट दे रखा 4 साल का, तो पहले तो एवरेज निकालें। तो पहला काम हमारा होगा एवरेज, अब अच्छा चल रहा है मार्कर, प्रॉफिट कितना है इसमें 1,90,000, फिर सेकंड ईयर का 2,10,000, फिर 2,00,000, फिर 2,15,000 प्लस करना है, 4 से डिवाइड करना है, तो प्लस करके क्या आया बताना जरा। आठ लाख बीस हजार उसे अगर डिवाइड कर देते 8,20,000 को 4 से, 2,05,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एवरेज प्रॉफिट आने के बाद हमें नीचे दे रखा है टैक्स रेट भी दे रखा है, जनरल रिजर्व भी दे रखा है कि नहीं। तो इसको हम करेंगे इस तरह से, चाहो तो एग्जाम्पल हम 19 देख लो जिससे कि तुम्हें पता चला पहले क्या लिखना होता है और सेम है कि नहीं ये भी पता चल जाए। पलटो पीछे पेज, एग्जाम्पल 19 पे जाओ, फर्क देखना क्या अंतर है इसमें। एग्जाम्पल 19, लगभग सेम क्वेश्चन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का उसे एग्जाम्पल को भी रिटर्न में कर लेना है ना, क्योंकि जब सिंगल टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो उसे हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन भी करेंगे एग्जाम्पल भी रिटर्न में करेंगे, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। मिल गया, ठीक है। तो आपको देखने में वही मिल रहा होगा, दो तरह के शेयर, इक्विटी और प्रेफरेंस। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दे रखा बिफोर टैक्स, देखा ना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ पे कोई 4 साल का प्रॉफिट नहीं है, सिंगल प्रॉफिट दे रखा है, तो हमें तो मैं 4 दे रखा था, हमने सिंगल निकाला है। फिर उन्होंने क्या लिखा, जनरल के लिए बोला और रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अर्निंग बोला है 10%। सॉल्यूशन में पहले लिखा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, फिर लेस इनकम टैक्स किया, फिर क्या किया आफ्टर टैक्स आ गया, ट्रांसफर टू रिजर्व किया, है ना, डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिया,
और फिर क्या आ गया, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर डिविडेंड जो भी है उसके लिए आ गया, ठीक है, इक्विटी वाले के लिए आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इतनी जगह में होता तो ठीक है, अदरवाइज वहां ले जाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल यही कोशिश करूंगा। एवरेज प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है, 2 लाख, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, कितना परसेंट था बेटा टैक्स हमारा, 50%, कितना आएगा शिवानी बताना जरा। एवरेज प्रॉफिट 2,05,000 रुपए हुआ, 50% टैक्स निकालो, पीछे कैलकुलेटर है सॉल्व करो, 1,25,000 नहीं 1,02,500 आ गया, माइनस करने पे क्या बचेगा, 1,02,500, यानी पूरी कंपनी का प्रॉफिट जो हुआ वो कितना था, 2,05,000, टैक्स कितना माइनस कर दिया, 50%, तो आधा रह गया प्रॉफिट, ठीक है। यह है प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर टैक्स, है ना, टैक्स आ गया। इसके बाद हम लेस करते हैं इसमें से, जो उसने कहा था कि कुछ पैसा रिजर्व में रखते हैं, कितना पैसा रखते हैं हम, 20%, तो ट्रांसफर टू, तो पहले टैक्स माइनस कर दो फिर इसे करो, जी आर लिख दो, जनरल रिजर्व कितना परसेंट था, 20% था, ठीक है, तो 20% इसका कितना होता है, 20,500 हमने ट्रांसफर कर दिया, क्या बचा, 82,000 के आसपास बचा होगा, ये आ गया, ये ट्रांसफर करने के बाद आ गया डिविजिबल प्रॉफिट एक तरह से, अब इसमें से माइनस करना। देखो अभी आपका प्रॉफिट हुआ था उसमें से टैक्स दे दिया, आफ्टर टैक्स आ गया, रिजर्व में डाल दिया, अब प्रॉफिट आ गया डिविजिबल जो बढ़ सकता है, किसी और का अधिकार नहीं है, बस अधिकार किसका रह गया, प्रेफरेंस वालों का। हमारे पास शेयर कितने तरीके थे, 2 तरीके के, इक्विटी और प्रेफरेंस। प्रेफरेंस वालों को ये प्रायोरिटी तो होती है ऑलवेज कि वो उन्हें डिविडेंड पहले पहले मिलेगा, कैपिटल पहले पहले मिलेगी, ये सब तो होता ही है। तो डिविडेंड उनका कितना बनेगा भाई, 1,000 शेयर 100 रुपये वाले, तो 1,000 × 100 कितना होते हैं, 1,00,000, 1,00,000 पे कितना परसेंट, 14%, तो डिविडेंड कितना हुआ, 1,00,000 का 14%, हाँ जी, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे आया, 1,00,000 का 14%, तो ये हो गया हमारा 14,000, ठीक है, तो माइनस कर देते हैं। अब जो प्रॉफिट बचेगा वो सिर्फ इक्विटी वाले को लिए बचेगा, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर कितना है बेटा, 68, बताओ कोई दिक्कत। हमारे पास जितना प्रॉफिट था उसमें से टैक्स दिया, आफ्टर टैक्स आया, रिजर्व में ट्रांसफर करना था रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, डिविजिबल प्रॉफिट आया उसमें से डिविडेंड बांट दिया भाई। अब ये बटने वाला था चीज हमारा हिस्सा है, लेकिन हमारे में भी लोग दो हैं, एक प्रेफरेंस है एक इक्विटी है, तो प्रेफरेंस वालों को अपना डिविडेंड दे दिया, तो जो बचा वो सब किसके लिए बचा, इक्विटी के लिए। अब इन फॉर्मूले का यूज होगा, पहले रेट ऑफ अर्निंग या अर्निंग रेट निकालेंगे और फिर वैल्यू पर शेयर, तो साइड में सॉल्व करता हूं। देखो फॉर्मूला तो लिखा ही हुआ है, सीधे सीधे डायरेक्ट लगा देता हूं, ठीक। तो अर्निंग रेट यही कर दूं, हाँ पर उल्टा सा ना लगा बच्चों को थोड़ा सा कि अब उनको फिर से दोबारा लिखना पड़ेगा, चलो कोई नहीं यहां लिख देता हूं, अर्निंग रेट। अर्निंग रेट का फॉर्मूला है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, कितना बचा प्रॉफिट अवेलेबल, ठीक है, डायरेक्ट अमाउंट डालता हूँ, 68,000 प्रॉफिट बचा, किसके लिए बचा, इक्विटी वाले के लिए, इनटू 100 हम करते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी, क्वेश्चन में देखो, इक्विटी शेयर 20,000 शेयर थे ना 10 वाले, तो 20,000 × 10 कितने होते हैं, 2,00,000, 20,000 × 10 करेंगे 2,00,000 आ जाएगा, सॉल्व करो इसको, ये आया 34%, क्योंकि अर्निंग रेट है। फिर हमारा वैल्यू पर शेयर निकालना है, अब देखो क्या फॉर्मूला, रेट ऑफ अर्निंग इनटू पेड अप वैल्यू अपॉन नॉर्मल रेट, तो रेट ऑफ अर्निंग कितना है 34, पेड अप वैल्यू, अब देखो शेयर इक्विटी वाला 10 का था या कितने था, कहीं आगे लिखा कि पेड अप वैल्यू 8 है, नहीं, नहीं।
तो अभी 10 मानेंगे पेटा वैल्यू, अगर 8 लिखा होता साथ में तो 8 मानते, ठीक है, 10 लिख दिया अपॉन नीचे आता नॉर्मल रेट, कितना रखा है 20% डाल दिया, तो करके कितना है 17 रुपए, यही आंसर है, ये रुपीज में आंसर है, ठीक है, 17 रुपए इस तरीके से। और ये आपको करना पड़ेगा, और ये बिल्कुल शॉर्ट में, शॉर्ट मतलब बिना कैलकुलेटर के, बहुत जल्दी जल्दी। हाँ तो सबसे पहले अपना फोकस रखना, अगर चार प्रॉफिट हैं तो एवरेज निकालना, सुन रहे हो, चार प्रॉफिट है तो पहले एवरेज निकालना, एवरेज के बाद तुरंत उसमें से टैक्स माइनस करना, टैक्स माइनस करना ट्रांसफर टू रिजर्व कर देना, फिर जो बचेगा उसमें से डिविडेंड दे देना, जो आंसर आएगा उसको दो फॉर्मूले में निकालना है, एक तो पहले रेट ऑफ अर्निंग निकालना है, उसका आंसर दूसरे वाले फॉर्मूले लिखना है और फिर आएगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा हिसाब किताब समझ लेना, बस दिक्कत आ जाएगी। पहले हमें प्रॉफिट डिविडेंड रेट 3-4 बार दिया होते थे, अब प्रॉफिट 3-4 बार दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन नंबर 17 है ये हमारा, फॉर्मूले लिख लेना सब कुछ, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो 17 खत्म।